डिस्कस विथ यू एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस. टेकन टू ऑफ एट टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एस 2, 7, माइनस 7 एंड 14. ओके, हमें यहाँ पे सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है. देखो हमारा बेसिक फॉर्म क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर दूसरा हमें क्या दिया है माइनस 7, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या दिया है माइनस 7, और फिर तीसरा हम क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हमें दिया है 14. ओके, इसका सम और प्रोडक्ट दोनों दिया है. तो इसे हम हमारा नॉर्मल फॉर्म क्या है उसके बाद देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी. ओके, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के हमारा जो नॉर्मल है वो है तो के इज इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पे के हम सपोज लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे हमें एक्स क्यूब का कोफिशियंट हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर फिर माइनस का माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. ओके, लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वेयर फिर प्लस का प्लस, दूसरा हम क्या लिख सकते हैं ये वाला अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स. ओके, और तीसरा क्या लिख सकते हैं माइनस अल्फा, ये माइनस था हमारा, बीटा एंड गामा. ओके, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखो, के ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स, तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स का क्यूब. ओके, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 दिया है हमें. ओके, तो हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं माइनस माइनस का माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर. ओके, फिर हम इन तीनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस 7, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस 7 इंटू एक्स और माइनस 14 का 14, यहाँ पे दिया है माइनस 14. फिर हम क्या लिख सकते हैं ये के यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे के इज इक्वल टू क्या दिया है 1. ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7x और माइनस 14 का 14. ओके, ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये हमारा आंसर है. ओके ओके बच्चों, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी ओ एक्स. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, तो फाइंड द ए एंड बी. तो सपोज हमारा फॉर्म नॉर्मल फॉर्म क्या है, पी इंटू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी. तो पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस एक्स और प्लस 1. तो यहाँ पे हम कोफिशियंट क्या लिख सकते हैं, ए का कोफिशियंट हमें क्या है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते 1, बी का कोफिशियंट है माइनस 3, सी का कोफिशियंट है 1 और डी का कोफिशियंट है 1. ओके, इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, हमें यहाँ पे 3 जीरोस दिए गए. ओके, ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू ए और गामा इज इक्वल टू ए प्लस बी. ओके,
a माइनस बी ए एंड a प्लस बी। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा हमारा क्या है a माइनस बी, फिर प्लस का प्लस, बीटा हमारा क्या है a प्लस का प्लस, गामा हमारा क्या है a प्लस बी। ओके, तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस बी का बी इज इक्वल टू माइनस बी हमारा क्या था, ये माइनस थ्री है, माइनस टू माइनस थ्री अपॉन ए इज इक्वल टू क्या दिया है, वन दिया है, तो ए इज इक्वल टू वन। ओके, तो हम ये माइनस और ये प्लस ये रिमूव कैंसल आउट हो जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिला ए इज इक्वल टू थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री अपॉन ए, ए इस तरफ आएगा तो थ्री ए इज इक्वल टू थ्री। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, थ्री इधर आ जाएगा तो ए इज इक्वल टू थ्री अपॉन थ्री, तो ए इज इक्वल टू वन, हमें ए की वैल्यू मिल गई वन। ओके, फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा, ओके इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, अल्फा बीटा, अल्फा हमारा क्या था ए माइनस बी इंटू बीटा हमारा क्या था ए था, फिर प्लस बीटा ए, गामा हमारा क्या था ए प्लस बी, फिर प्लस गामा क्या था तो ए प्लस बी, और अल्फा क्या था हमारा ए माइनस बी। ओके, ऐसे हम लिख सकते हैं, उन सबका मल्टीप्लाई किया हमने, फिर यहाँ पे सी अपॉन ए, तो सी हमारा क्या था वन और अपॉन वन। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, देखो एक की जो वैल्यू है वो हम वन लिख सकते हैं। ओके, एक की जगह से हम वन लिख सकते, तो वन माइनस बी इंटू वन प्लस वन ब्रैकेट में वन प्लस बी प्लस वन प्लस बी और वन माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन वन। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, वन एक की जगह हमने क्या पुट किया, वन पुट किया। ओके, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो वन माइनस बी इंटू वन माइनस बी, ओके प्लस वन इंटू वन वन, प्लस वन इंटू बी बी, ओके प्लस वन माइनस बी का क्या मिलेगा यहाँ पे बी इंटू बी, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन वन। ओके, क्या मिलेगा वन माइनस वन माइनस बी का माइनस बी, प्लस वन इंटू वन वन, बी इंटू वन बी, प्लस का प्लस वन इंटू वन वन, और माइनस बी इंटू बी, बी का स्क्वेयर। ऐसे हम लिख सकते हैं, ये माइनस बी और प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा वन प्लस वन प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, माइनस का माइनस बी का स्क्वेयर। ओके, थ्री माइनस बी का स्क्वेयर इज इक्वल टू हमें क्या मिला वन, तो थ्री माइनस ये वन इधर आ जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू बी माइनस है इधर जाएगा तो क्या होगा बी स्क्वेयर। ओके, तो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। ओके, तो बी इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा रूट टू मिलेगा, ये स्क्वेयर निकल जाएगा तो क्या मिला बी इज इक्वल टू रूट टू, ये हमारा बी मिल गया। ओके, तो ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू रूट टू।